द्वारा मेरा आग्रह रहेगा, प्लीज। गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप सब, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं, आज है 18th जुलाई 2021 और हमारे गांव में जयगा माता मंदिर में 3 दिनों से हवन हो रहा है और उस हवन का आज लास्ट डे है। तो आज क्या सीन है कि पूरे गांव वालों को भंडारा खिलाया जाएगा, तो अभी वहां पे काम वाम हो रहा है, मैं भी मंदिर जा रहा हूं अभी। तो वहां से जो अपना काम वाम हमें दिया जाएगा वो हम कंप्लीट करेंगे, आफ्टर देन हम निकलेंगे कुठाड़ी की ओर, क्योंकि कुठाड़ी में हो रहा है वॉलीबॉल के टूर्नामेंट और वहां पे आज फाइनल है। जो मेन अट्रैक्शन आज किया वो है महिला रस्साकसी, तो लेडीज़ भी वहां पे बहुत सारी 8-10 टीमों ने शायद एंट्री करवाई है। तो फिर हम वहां को निकलेंगे, तो चलो पहले मंदिर चलते हैं, जो हमें काम दिया जाएगा वो कम्प्लीट करते हैं, आफ्टर देन फिर हम निकलेंगे कुठाड़ी की ओर। फाइनली हमने अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर दी है, हमारी ड्यूटी लगी थी पानी लाने की, तो हमने पानी इकट्ठा कर दिया है जो खाना बनाने में यूज़ किया जाएगा। तो अभी क्या सीन है कि अब निकल रहे हैं कुठाड़ी की ओर, क्योंकि वहाँ पे भी फाइनल होने वाला है, तो यहाँ पे खाना 4 बजे के करीब खिलाया जाएगा, शायद तब तक हम वापस पहुँच जाएँ। तो देखते हैं क्या होता है, अब आपसे हम कुठाड़ी ग्राउंड में मिलते हैं, मैं अभी अपने दोस्तों का वेट कर रहा हूँ, आफ्टर देन फिर हम निकलेंगे कुठाड़ी की ओर। मिलते हैं आपसे कुठाड़ी ग्राउंड में। चुके हैं दिन के 2, सुबह से लेकर मैंने कोई क्लिप शूट नहीं करा, हम यहाँ पे 11 बजे पहुँच गए थे। तो अभी हम थोड़ा साइड में आए क्योंकि वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है। तो सीन क्या है कि बटाड़ा और फ्रोक के बीच फाइनल खेला जाएगा, हमारी टीम हार चुकी थी क्वार्टर फाइनल में, तो चलो आपको ग्राउंड की ओर ले चलते हैं क्योंकि फाइनल वहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो दिखाते हैं कि कौन जीतता है इस टूर्नामेंट को वॉलीबॉल के, आफ्टर देन फिर और रस्साकसी के मैचेस भी आपको दिखाए जाएंगे। तो चलो ग्राउंड में मिलते हैं आपसे। स्कोर क्या है, वो स्कोर क्या है? 22-21 अपनी गेम है। यहाँ पे किसी एक की तारीफ कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह बटाड़ा अपना प्रदर्शन कर रही है, फ्रोक भी उसी तरह से बहुत
अच्छा प्रदर्शन इस गेम शशि भाई आप पे पूरा फोकस है वीडियो बराबर हो बराबर पास होए पास 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 होए सभी दर्शकों ने की थी उसी तरह का मुकाबला देखने को मिला है। बहुत ही अच्छा ये फाइनल मुकाबला लोग और बटाड़ा के मध्य छोड़ वॉलीबॉल का फाइनल हो रहा है और बटाड़ा एक सेट ले चुका है इससे पहले। ओ भाई शशि भाई को बॉल डालो यार। स्कोर है 23-23 बटाड़ा से। ओ भाई 24 बटाड़ा 23 प्रो। वॉलीबॉल का फाइनल पहला सेट ले चुकी है बटाड़ा और सेकंड सेट में भी लीड कर रही है बटाड़ा की टीम। प्रो एक सेट अभी हार चुकी है। मुझे लग रहा है कि दूसरा सेट भी शायद बटाड़ा जीत जाएगी। शशि भाई ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी है। 11 नंबर के जो प्लेयर आप देख पा रहे हो काफी अच्छे। इसी के साथ गाड़ी वॉलीबॉल का फाइनल जीत चुकी है बटाड़ा। काफी अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने। सूरज भाई क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, नो कमेंट। नो कमेंट। तो अभी थोड़ी देर में रस्सा कस्सी का मैच शुरू होने वाला। तो फाइनली जो वॉलीबॉल का फाइनल था वो हार चुके हैं फ्रॉग। आप देख सकते हैं सूरज भाई बिल्कुल यहाँ पे नाराज होके बैठे हैं क्योंकि स्टेट टू में टीम बाहर निकल गई। तो बटाड़ा फाइनल जीत चुके हैं। अभी आपने जो मैच देखा वो फ्रॉग और बटाड़ा का फाइनल हो रहा था। तो अभी क्या सीन है कि अभी होने वाला है रस्सा कस्सी के मैच। रस्सा कस्सी में कितनी टीमों ने करी है एंट्री? 15 टीमों ने यहाँ पे एंट्री करी है। लेडीज की जो रस्सा कस्सी होने वाली मेन अट्रैक्शन है जो इस टूर्नामेंट के, तो वो रस्सा कस्सी है। तो अभी हम थोड़ा साइड में आए थे फ्रेश होने, क्योंकि 1-2 घंटे से ग्राउंड में बैठे थे, फाइनल देख रहे थे, सेमीफाइनल भी देखे, तो थोड़ा फ्रेश होने हम आए थे। अभी हम वापस जा रहे हैं ग्राउंड की ओर, आपको रस्सा कस्सी के फाइनल दिखाएंगे। जितने भी मैच होंगे रस्सा कस्सी के वो सभी आपको दिखाए जाएंगे। लेडीज की रस्सा कस्सी होने वाली है, तो चलो आपको ग्राउंड में मिलते हैं। यहाँ पे जो है रस्सा कस्सी खेल प्रतियोगिता का आरंभ किया जाएगा, जिसमें कि पहला मैच होगा हिलुधार वर्सेस टुटुपानी। दोनों ही टीमें काफी अच्छी टीमें हैं रस्सा कस्सी की, काफी ज्यादा मैच खेल चुकी है ये टीमें। कुछ लोग रस्सा कस्सी के वीडियो बनाने के लिए बहुत ऊपर चढ़े हैं। सुनो जी क्या हो गया? तो दिनेश जिंटा की ओर से घोषणा की गई है, यदि टुटुपन इस टीम को जीत जाती है, यदि टुटुपन इस मुकाबले को जीत जाती है तो उन्हें 1000 की नगद राशि यहाँ पे दी जाएगी। ये वाली टीम कौन सी है? इस साइड टुट्टू पानी की टीम है। सभी दर्शक प्लीज, मेरा सभी दर्शकों से आग्रह है कि दूरी बना के रखें। सभी दर्शक प्लीज टुट्टू पानी ग्राउंड से दूरी बना के रखें। हेलो रामपाल भाई, तो दिनेश जिंटा जी ने घोषणा की है यदि टुट्टू पानी इस मुकाबले को जीत जाती है तो वो 1000 का नगद इनाम उनके नाम करेंगे। पहला मुकाबला यहाँ पे टीलुधार वर्सेस टुटुपानी। ये
प्लीज तो दोनों ही टीमें बिल्कुल तैयार। रस्सा कसी का ये पहला मुकाबला। सारी स्ट्रिंगें मंगानी थी। बहुत ही अच्छा ये मुकाबला यहाँ पे दोनों ही टीमों के बीच। बहुत हार्ड टूटू पानी की टीम द्वारा भी। प्लीज दर्शक साइड हो जाए, दर्शक बाहर हो जाए। बहुत ही दमखम के साथ टूटू पानी की टीम यहाँ पे उतरी है। बहुत ही भयानक यार। सभी दर्शकों से अनुरोध रहेगा प्लीज आप वॉलीबॉल आउटलाइनिंग के बाहर से खड़े होकर तो साइड चेंज की अपनी टीम का हौसला अफजाई करें। अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। सक्षम है वो सक्षम इधर आ रहा है। बोल ना जी, बोल दिया। सभी दर्शक प्लीज वॉलीबॉल की आउटलाइन से बाहर हो जाएं और एक ही कतार में खड़े रहें प्लीज। नवयुवक मंडल कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो दर्शकों के सामने लाइन बांधकर खड़े हो जाएं, चैन बांधकर खड़े हो जाएं। हो रही है दोनों ही टीमों की ओर काफी अच्छी हौसला अफजाई हो रही है इस वक्त। अंकल जी उधार और टूटू पानी के मध्य ये जो प्रतियोगिता रस्सा कसी की तो यहाँ पे इस गेले लगाई आंटी मैच की विनर है तिलुदार। तिलुदार की टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन करके इसमें विजय हासिल की है। तो मेरा दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि कृपया करके ग्राउंड के बाहर खड़े हो जाए क्योंकि अभी इसके तुरंत बाद दूसरी। कैप्टन कुठाड़ी, कैप्टन कारला प्लीज टॉस के लिए मैदान पे आ जाएं। तो यहाँ पे कुठाड़ी और कारला के मध्य रस्सा कसी प्रतियोगिता का दूसरा राउंड। कौन
प्रथम बार दुधारी टीम ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। इसके बाद इधर आइए भाई, दोनों ही टीम एकदम प्यार और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे स्थानीय टीम है। थोड़ी सी रहेगी। प्लीज स्टेज के सामने जगह खाली करवा दें प्लीज। प्रतियोगिता में खाला ने कुठाड़ी को हरा कर फाइनल, कुठाड़ी टीम से ये प्रतियोगिता जीत जाती है तो नगद 1,000 रुपए का इनाम उन्हें दिया जाएगा। तो खाला टीम की कैप्टन प्लीज यहाँ आकर अपना सम्मान प्राप्त करे। यहाँ पे जो रस्साकसी खेल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला हो रहा है, तेलुधार वर्सेस खाला, दोनों एक ही क्षेत्र की टीम है और इससे पहले मुकाबले में भी दोनों ही टीमों ने काफी अच्छा दमखम दिखाया। नीचे बैठो तब दिखेगा सबको। हर क्षेत्र में जहाँ भी कहीं रस्साकसी की बात हो तो टीलुधार और खाला का नाम सबसे पहले लिया जाता है। काफी समय से टीलुधार की जो टीम है रस्साकसी में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करके हर क्षेत्र में विजयी होकर लौटती है। तो यहाँ पे फाइनल राउंड रस्साकसी का जो हो रहा है, टीलुधार वर्सेस खाला और दोनों ही टीमों का काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह से दर्शक इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं तो खाला द्वारा बहुत ही अच्छी यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया और पहला राउंड खाला ने अपने नाम किया। तो योग्यता प्रदर्शित के लिए अभी तो सेकंड राउंड होना है। जोगटा ब्रदर्स जगटेली भी पूर्ण रूप से अपनी टीम की हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो मेरा सभी दर्शकों से आग्रह रहेगा प्लीज आप स्टेज के सामने से साइड हो जाएं। कमेटी वॉलंटियर प्लीज दर्शकों को स्टेज के सामने से साइड करवा दे प्लीज। तो रस्साकसी खेल प्रतियोगिता जो यहाँ पे आरंभ हुई थी वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। खाला और टीलुधार के बीच कश्मकश ये मुकाबला काफी बेहतरीन ये मुकाबला कहेंगे हम। दोनों ही टीमों में काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, रस्साकसी के लायक खिलाड़ी दोनों ही टीमों में। तो जो वर्तमान में खाला पंचायत के उप प्रधान हैं उन्होंने घोषणा की है कि यदि खाला टीम इस मैच को जीत जाती है तो 1,000 रुपए का नगद इनाम उनके नाम करेंगे। दर्शक प्लीज संयम बना के रखें, सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप संयम बना के रखें और नियमानुसार इस प्रतियोगिता को संपन्न होने दें। तो खाला टीम के तो खाला पंचायत के उप प्रधान ने घोषणा की है यदि खाला टीम
इस मुकाबले को जीत जाती है तो 1000 रुपए की नगद राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। यदि बहुत ही अच्छा ये मुकाबला खाला और टीलूधार के बीच देखने को मिल रहा है। टीलूधार भी अपना पूरा दमखम दिखाते हुए और खाला की टीम भी अपना पूरा दमखम दिखाते हुए दोनों ही टीम ने दम लगा दिया है इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए। तो ये कश्मकश भरा मुकाबला यहाँ पे दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिल रहा है हमें। बहुत ही अच्छा ये रस्साकसी का मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच, एक तरफ है खाला तो एक तरफ है टीलूधार, और यहाँ पे खाला ने टीलूधार को हरा के इस मुकाबला कमल धंटा जी द्वारा। मेरा आग्रह रहेगा प्लीज सभी संयम बना के रखें, तो कमल धांटा जी द्वारा खाला टीम को 500 की नगद राशि दी जाती है। तो आज है 19th July 2021। कल मैं अपना वीडियो एंड नहीं कर पाया था, जैसे कि आपने देखा होगा फाइनल हमारा बटाड़ा जीत गया वॉलीबॉल का, और लेडीज़ रस्साकसी में खारला फर्स्ट टाइम विनर हुई, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे मैचेस में रस्साकसी हुई इधर लोकल, तो सारी टीमें हर जगह पार्टिसिपेट करा है सभी टीमों ने, तो हर जगह टीलूधार जीत रही थी, कल फर्स्ट टाइम खारला विनर हुई है रस्साकसी के टूर्नामेंट में। तो आप भी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना। जय शंकर, जय भोलेनाथ, जय महादेव।